राज्य के जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेरोजगारों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। बच्चे को शिक्षित करे, उसको अच्छा जगह पे लेके जाए, एक चीज को जितने भी आईसीटी का जो हम लोग बीएड में सीखे हैं, जितना भी ट्रेनिंग किए, उसका उपयोग करके हम अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। घर का सुधरेगा ही, क्योंकि अगर हम लोग सहयोग करेंगे और एक दूसरे को अगर अच्छे से समझेंगे तो फिर सारा चीज सुधरेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज 2854 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और इसमें 1250 पीजीटी के अभ्यर्थी भी शामिल है। देखिए, तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हर एक जिले से अभ्यर्थी जो है राजधानी रांची पहुंचे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। कई अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। लंबे समय से ये लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे, कितनी खुशी महसूस हो रही है। बहुत लंबे समय से इंतजार था और आज बहुत ही खुशी हो रही है। आज सबसे पहले मैं तो राज्य के जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेरोजगारों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था और ये पीजीटी था और भी बहुत सारे यहाँ पर नियुक्ति मिल रही है। इससे बहुत खुशी की मतलब बहुत सारे लोगों को खुशी हो रही है, साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर भी बहुत सारे खुश हैं। और आई थिंक मतलब हम एक बार फिर से चंपाई सोरेन को धन्यवाद देना चाहेंगे। संघर्ष आप लोगों का काफ़ी बड़ा रहा, कई बार आप लोग जैसे कार्यालय भी गए सिर्फ यही उम्मीद से कि कब आप लोगों का परिणाम सामने आएगा। अब कैसा लग रहा है, परिणाम जो है सामने आ गया, नियुक्ति पत्र आज मिलेगा? हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, खुशी तो है मैम, बट अभी और 7 सब्जेक्ट का हमारे मित्रों का बचा हुआ है, बस उनका लिए भी अगर मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उन लोग के साथ हम लोग और खुशी 400 गुनी हमारे लिए हो जाएगी। और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है हमारे लिए कि इतना हमारे लिए किए। और हम लोग अब हम लोग शिक्षक बन चुके हैं मैम, तो अब हम लोग तो प्रयास करेंगे कि इस राज्य के जो उन्नति हो, जिस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी दमखम करके हम लोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड थोड़ा पीछे है, किस तरीके से सहयोग कीजिएगा? सहयोग तो मैम हम लोग हर एक चीज़ को जितने भी आईसीटी का जो हम लोग बीएड में सीखे हैं, जितना भी ट्रेनिंग किए, उसका उपयोग करके मैम अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं हमारे, खासकर हमारा पीजीटी फिजिक्स हुआ है, तो प्रैक्टिकल्स पे भी अच्छे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़ सके, ताकि हमारे लैब असिस्टेंट भी हमारे आ चुके हैं तो हमारे लिए और बेहतर है, क्योंकि उन लोग का भी हमारे लिए सहायता होगी उन लोगों का, तो हम और अच्छे से पढ़ाएंगे मैम। जेएससी की ओर से पीजीटी की परीक्षा ली गई थी और ऐसे में कई विषयों के परिणाम जो है सामने आ गए हैं, लेकिन 7 विषयों के परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं। और ऐसे में जो अभ्यर्थी यहां पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंचे, इनका यही कहना है कि हमारे कई मित्र जो है उन्हें फिलहाल नियुक्ति पत्र आज नहीं मिलेगा, 7 विषयों का जो परिणाम है वो सामने नहीं आया। और इनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि चंपाई सोरेन उस जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र का, उनका भी नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलेगा। और भी कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, कितनी खुशी महसूस हो रही है, संघर्ष जो है काफी बड़ा रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग का अचीवमेंट है ये, एक मतलब उतना दिन से मेहनत कर रहे थे तो उसको आज सफल होते हुए देख रहे हैं, तो समझ ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा होगा। घर का सिचुएशन कैसे सुधरेगा, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष था और यही आप लोग बोल रहे थे कि आर्थिक रूप से आप लोग पूरे तरीके से कमजोर हो गए। घर का सुधरेगा ही, क्योंकि अगर हम लोग सहयोग करेंगे और एक दूसरे को अगर अच्छे से समझेंगे तो फिर सारा चीज सुधरेगा, सब चीज सुधर जाएगा। कहाँ से आई? हम धनबाद से आए हुए हैं। अब ये कह सकते हैं हम लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड आगे बढ़ सकता है, आप लोगों का सहयोग कैसा है? एकदम एकदम बहुत आगे बढ़ सकता है और हम लोग का विचार भी वही है कि बच्चे को शिक्षित करे, उसको अच्छा जगह पे लेके जाए और उसको अच्छा सोच दे, ताकि वो आगे जाके अपने जीवन को और अच्छा से सफल बनाए। लंबे समय का इंतजार जो है शहीद मैदान में आकर खत्म हो गया है, आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन महोदय से कि हमें इसका अवसर प्रदान हुआ, काफ़ी समय से हमें इसका इंतज़ार था। कब से इंतज़ार कर रही थी इस दिन? मैम 6 साल से तैयारी कर रहे थे, मेरा नाम रागिनी वर्मा है और बायोलॉजी पीजी टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम यूपी से हैं और हम झारखंड सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें यहाँ मौका मिला। आपके कई ऐसे मित्र हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या उम्मीद लगा रही हैं? ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं। 7 विषयों का अभी तक परिणाम जो है सामने नहीं आया जी मैम, उसमें शायद विचार किया जा रहा है कि उनको सेकेंड लिस्ट में मौका दिया जाएगा। देखिए पीजीटी के अभ्यर्थी जो है इस वक्त नियुक्ति पत्र लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, 6 सालों का संघर्ष
जो था आज शहीद मैदान में कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी जो अभ्यर्थी है वो काफी खुश है। इनका कहना है कि चंपाई सोरेन की अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि जो SSC की ओर से जब PGT की परीक्षा ली गई थी और ऐसे में कई गड़बड़ी जो है वो पाई गई थी। कई अभ्यर्थी जो है SSC कार्यालय पहुंचते थे और सिर्फ यही बोलते थे कि जो गड़बड़ी पाई गई है उस गड़बड़ी को किस तरीके से सुधारा जाएगा। लेकिन आज सभी अभ्यर्थी जो है वो शहीद मैदान पहुंचे हुए, इनका कहना है कि आज हम काफी खुश है। इसके साथ ही झारखंड जो है शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि ये लोग सहयोग करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को एक अलग जगह लेकर जाएंगे। इसी तरीके से और भी तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राजबल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।